छत्तीसगढ़ शासन के पीएचई मंत्री गुरुद्र कुमार के कर कमलों से जामुल नगर पालिका परिषद को विभिन्न सौगातें मिली है। गुरुद्र कुमार ने 10 करोड़ 5 लाख रुपयों के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। शुक्रवार का दिन जामुल नगर पालिका परिषद के लिए बहुत खास दिन रहा, क्योंकि इस दिन छत्तीसगढ़ शासन के पीएचई मंत्री गुरुद्र कुमार नगर पालिका परिषद जामुल पहुँचे, जहाँ उनका स्वागत पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ के पार्षद गणों ने फूल मालाओं से किया। तत्पश्चात मंचीय कार्यक्रम के दौरान भी एक बार पुनः स्वागत सम्मान का कार्यक्रम हुआ और मंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया गया। शुक्रवार को किए गए विशेष आयोजन में नगर पालिका परिषद जामुल के प्रांगण में ही मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने 10 करोड़ 5 लाख रुपए के विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन अपने कर कमलों से विधि अनुसार किया। जामुल नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष ईश्वर ठाकुर ने भी भूमि पूजन के कार्यक्रम की पूर्ण जानकारी देते हुए इस कार्यक्रम के बाद होने वाले सभी विकास कार्यों की जानकारी मीडिया को उपलब्ध कराई है। तो वहीं छत्तीसगढ़ शासन के पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने नगर पालिका परिषद जामुल को मिले सौगात के लिए ढेरों बधाइयां दी हैं और आगे और भी सौगातें मिलने की बातें कही हैं। आज जामुल नगर पालिका परिषद के प्रांगण में करीब लगभग 10 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन माननीय रुद्र गुरु जी जिनके कर कमलों से और पूरे जामुल के जनप्रतिनिधियों के बीच भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ। और लगभग हमारे जामुल नगर में 1.5 करोड़ का सीसी रोड, यूपा के तर्ज पर 1.2 करोड़ का अधोसंरचना मद से विभिन्न जगहों में नाली, सड़क निर्माण, पथवे, ऐसे विभिन्न कार्य है जो जामुल के लिए बड़ी बहुत बड़ी सौगात है और आने वाले समय में जामुल एक विकसित जामुल के रूप में दिखेगा। मतलब अभी तक जामुल को जो लोग ग्राम समझते थे, इन विकास कार्यों के होने के बाद ये भी एक शहरी रूप लेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ग्रामीण के तर्ज में नहीं है ये, चूँकि नगर पालिका एक विकसित नगर पालिका है जामुल नगर पालिका। और ये जो सेशन रहा हम लोगों का शुरुआत पिछले समय, हम लोग ने सारे जनप्रतिनिधि नए निर्वाचित हुए, निर्वाचित होने के बाद सभी जनप्रतिनिधि लगातार प्रयासरत हैं कि जामुल को कैसे सुंदर बनाया जाए। और लगभग सभी वार्डों में विकास कार्य बड़ी तेजी से चल रही है, जिसमें अभी 88 लाख रुपए का लगभग ट्यूबलर पोल 10 नंबर वार्ड से लेके 5 नंबर वार्ड से लेके 19, 20, 16, 17 में अभी 88 लाख का लगभग काम चालू हो चुका है। और आज जिन कार्यों का हमने परिषद में बैठक की, लगभग 40 लाख का काम बुगदा पुल से लेकर सीएसबी चौक तक ट्यूबलर पोल के रूप में और निर्माण होना है। तो विकास में कहीं कोई कमी नहीं है और सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने मेहनत से और लगन से कार्य कर रहे हैं अपने वार्डों में। तो मुझे नहीं लगता कि ये ग्रामीण परिवेश में एक विकसित जामुल के रूप में जामुल को देखने को मिलेगा 2-4-8 महीने के अंदर में। निश्चित तौर पे विभिन्न वार्डों में 10 करोड़ 5 लाख के विकास कार्यों का विभिन्न प्रकार के, चाहे सीसी रोड हो, सामाजिक भवन हो, सामुदायिक भवन हो, इस प्रकार के अनेकों कार्य के यहाँ पर आज भूमि पूजन हम सबके द्वारा मिलजुल के किया गया है। और निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अहिवारा विधानसभा हर स्तर पे अपने विकास का ना काम कर रहा है, जिसमें आज जामुल में हमने ना भूमि पूजन किया है और आगे भी आवश्यकता के अनुसार पालिका के यहाँ पर विकास कार्य जारी रहे। इस कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद जामुल के अध्यक्ष ईश्वर ठाकुर, उपाध्यक्ष सुनीता चन्नेवार सहित सभी वार्डों के पार्षदगण और जामुल नगर पालिका परिषद की जनता भी उपस्थित रही। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए जामुल से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।